Hello everyone, this is Sridhar Mishra. Welcome you again to our YouTube channel School of Banking, SSC and Management. So, अभी तक आप लोगों ने देखा है जो पहला relative speed में concept दिया वहाँ पे सिंपली आपको distance दे दिया था और दोनों जो कार स्टार्ट कर रहा था सेम टाइम में स्टार्ट कर रहा था, तो उस केस में हम लोग क्या कर रहे थे, डायरेक्टली रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे थे, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई रिलेटिव स्पीड। उसके बाद जो क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट किया वहाँ पे क्या दिया कि इस बार टाइम अलग अलग कर दे रहा था, लाइक एक अगर 5 बजे स्टार्ट कर रहा है तो दूसरा 7 बजे स्टार्ट कर रहा था, उस टाइप के प्रॉब्लम को भी कैसे सॉल्व करना था हम लोगों ने देखा। अब ये जो है ये थर्ड टाइप है, यहाँ पे देखो आपको बहुत कुछ नहीं मेंशन करता है, जस्ट थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देगा, उसी के ऊपर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि आपको बोल रहा है कि ट्रेन ए लीव्स स्टेशन एट 10 AM एंड रीच एट बी एट 3 PM एंड ऑन द सेम डे, अनदर ट्रेन लीव स्टेशन बी एट 11 AM एंड रीच स्टेशन ए एट 6 PM और आपसे बोल रहा है कि फाइंड द टाइम व्हेन दे विल मीट। मतलब इस बार आपको सिंपली छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन बताया कि एक ट्रेन है जो कि यहाँ से 10 AM में स्टार्ट कर रहा है और वहाँ पे 3 PM में पहुँच रहा है, और दूसरा जो है वो 11 AM में स्टार्ट कर रहा है और इस प्लेस पे 6 PM में पहुँच जा रहा है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ ये लोग कब मीट करेंगे, ठीक है, कुछ भी नहीं दिया है, डिस्टेंस भी नहीं दिया, स्पीड भी नहीं दिया, तो आप किस तरीके से सॉल्व करोगे। तो सिंपली आप देखोगे कि 10 AM से 3 PM कितने टाइम का हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आप देखोगे ये 5 आवर्स इसको लगता है पूरे जर्नी को कवर करने में। सिमिलरली अगर हम लोग दूसरे वाले का बात करें तो ये 11 AM में स्टार्ट कर रहा है और 6 PM में पहुंच रहा है, मतलब इसको कहीं ना कहीं कितना टाइम लग रहा होगा, तो इसको आप देखोगे कहीं ना कहीं इसको 7 आवर्स लग रहा है अपना पूरा जर्नी कंप्लीट करने में। तो अभी देखो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई रिलेटिव स्पीड, मतलब कहीं ना कहीं मुझे डिस्टेंस तो चाहिए होगा, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे डिस्टेंस को कुछ एज्यूम करके आपको बनाना होगा। तो डिस्टेंस को आप क्या एज्यूम करोगे, तो सिंपली आप क्या देखोगे कि इसको 5 आवर लग रहा है और इसको 7 आवर लग रहा है, मतलब हम लोग डिस्टेंस का एक ऐसा वैल्यू ले लेंगे जो कि 5 से भी कट जाता हो और 7 से भी कट जाता हो, और ऐसा वैल्यू होगा क्या 5 और 7 का LCM होगा विच इज नथिंग बट 35। तो हम लोग सिंपली एज्यूम कर लेंगे कि ये जो डिस्टेंस है वो कितना है 35 किलोमीटर का है, ठीक है। अभी देखो इसके हेल्प से आप इसका स्पीड भी बता सकते हो, जैसे मान लिया मैंने अगर ये डिस्टेंस 35 किलोमीटर है और पहला वाला जो है वो 5 आवर में जर्नी को कवर कर ले रहा है, मतलब उसका स्पीड कितना होगा, तो हम लोग स्पीड कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस कितना दिया 35 और ये कितने टाइम में कवर कर रहा है उसको 5 आवर में कर रहा है, इसका मतलब पहले वाले का स्पीड क्या हो सकता है 7 किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली अगर हम दूसरे वाले का बात करें तो दूसरे वाले का क्या होगा यहाँ पे स्पीड, ये टोटल डिस्टेंस 35 है और ये 7 आवर में कवर कर ले रहा है, इसका मतलब इसका स्पीड क्या हो गया 35/7, ये कट जाएगा आपको क्या मिलेगा 5 किलोमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या देखा उसका भी आपको देखो डिस्टेंस भी मिल चुका है और दोनों का स्पीड भी मिल चुका है। अभी आपको जस्ट एक ही बात ध्यान रखना है कि दोनों क्या सेम टाइम में स्टार्ट किया, अगर वो सेम टाइम में स्टार्ट करेगा तो तब तो हम लोग सिंपली क्या यूज कर लेंगे डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि पहला वाला जो है वो कब स्टार्ट कर रहा है, वो स्टार्ट कर रहा है 10 AM में और दूसरा वाला कब स्टार्ट कर रहा है, वो स्टार्ट कर रहा है 11 AM में। इसका मतलब ये है कि पहले जो है टाइम क्या है सेम नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि जो पहला वाला है वो 10 AM से 11 AM का मतलब 1 आवर में कितना डिस्टेंस वो ऑलरेडी कवर कर लेगा। तो आप देखोगे सिंपली इसका स्पीड क्या है 7 किलोमीटर पर आवर, तो 1 आवर में कितना जाएगा वो 7 किलोमीटर, इसका मतलब 11 AM तक पहला वाला जो है ऑलरेडी कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा 7 आवर कवर कर लेगा। अभी यहाँ पे 11 बज रहा होगा और डिस्टेंस कितना बचा है, अभी भी टोटल 35 था, 7 आवर ऑलरेडी वो कवर कर लिया, इसका मतलब अभी जो डिस्टेंस बचा हुआ है वो डिस्टेंस कितना बचा हुआ है आपके पास, ये बचा हुआ है 28 किलोमीटर का। अभी क्या हो गया टाइम क्या हो गया कॉमन हो गया, हम लोग डायरेक्टली यूज करेंगे टाइम का फॉर्मूला, टाइम इक्वल टू क्या हो गया डिस्टेंस कितना बचा है मेरे पास 28 डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड, दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे इसको प्लस कर लेंगे, 7 + 5 कितना हो गया 12, इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो कितने टाइम जाएगा सिंपली 2 टाइम जाएगा 24, बचेगा क्या 4/12, ये कैंसिल आउट होगा 1/3 आवर्स। अभी हम क्या करेंगे इसको 2 1/3 आवर्स है, इसको आप मिनट में कन्वर्ट कर लो, आपको क्या मिलेगा ये 2 आवर, 1/3 को मिनट बनाएंगे क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कैंसिल आउट होगा 20, मतलब आपको क्या मिलेगा 2 आवर 20 मिनट। मतलब अभी टाइम क्या हो रहा होगा, तो टाइम क्या हो रहा होगा कैसे पता करेंगे, बाद में कौन स्टार्ट किया है, ये 11 AM में स्टार्ट किया था, तो 11 AM में स्टार्ट किया
और 2 घंटा 20 मिनट लगा। तो अभी क्या टाइम हो रहा होगा, 11 प्लस 2 क्या होता है 13 हो जाता है, 13 का मतलब क्या होगा 1:20 PM। अभी जो टाइम हो रहा होगा क्या हो रहा होगा वो 1:20। तो देखो क्वेश्चन वही था, जस्ट आपको एक स्टेप बढ़ा दिया था, ठीक है। और भी एक दो क्वेश्चन से इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं। चलिए और एक क्वेश्चन से इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे बोल रहा है कि ट्रेन ए लीव्स स्टेशन एट 7 AM एंड रीच बी एट 7 PM एट द ऑन द सेम डे, एंड अनदर ट्रेन लीव्स स्टेशन बी एट 9 AM एंड रीच ए एट 5 PM। आपसे बोल रहा है कि फाइंड द टाइम व्हेन दे विल मीट। तो सिंपली सेम टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जस्ट, लेकिन आपको टाइम ऑफ बता दिया है कितना टाइम किस ट्रेन को लग रहा है। जैसे यहाँ पे ए जो है वो 7 AM में स्टार्ट कर रहा है और दूसरे जगह 7 PM में पहुँच रहा है, मतलब इसको कितना टाइम लग रहा है टोटल। तो आप देखोगे टोटल इसको कितना लग रहा है, 12 आवर्स लग रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बी इसका बात करें तो ये 9 AM में स्टार्ट कर रहा है और 5 PM में पहुँच रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आप देखोगे इसको कितना टाइम लग रहा है, इसको लग रहा है 8 आवर्स। तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, डिस्टेंस को कुछ एज्यूम करना है। तो हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, हम लोग एक ऐसा नंबर एज्यूम करेंगे जो कि 12 से भी कट जाता हो और 8 से भी कट जाता हो। तो ऐसा नंबर क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम विच इज हाउ मच 24। आप 24 के मल्टीपल में कुछ भी ले सकते हो, आपका आंसर गलत नहीं आएगा। तो मान लेते हैं चलो ये कितना है 24 किलोमीटर है। तो अभी हम लोग ये देखेंगे कि पहले वाले का स्पीड कितना है, तो पहले वाले का स्पीड कैसे मिलेगा, ये डिस्टेंस 24 किलोमीटर कवर कर रहा है कितने टाइम में, 12 आवर में कवर कर रहा है। तो इसका मतलब इसका स्पीड क्या हो जाएगा, 24/12 विच इज 2 किलोमीटर पर आवर। आपको समझाना है इसलिए मैं लिख रहा हूँ, अदरवाइज इसको तो आप मेंटली भी कैलकुलेट कर सकते थे। 24 किलोमीटर 12 आवर में जा रहा है, मतलब स्पीड क्या होगा 2 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे इसका स्पीड अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो कितना मिलेगा, 24 किलोमीटर कितने में जा रहा है, 8 आवर्स में जा रहा है, तो 24/8 विच इज 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया सबसे पहला चीज़ आपको क्या फोकस करना है, क्या कि दोनों सेम टाइम में स्टार्ट किया। तो यहाँ पे देख लो एक स्टार्ट कर रहा है 7 AM में और दूसरा जो स्टार्ट कर रहा है वो 9 AM में स्टार्ट कर रहा है। इसका मतलब हमको ये देखना होगा कि पहला वाला जो है वो 2 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो आप सिंपली देखोगे ये 1 आवर में कितना जाता है, 2 किलोमीटर जाता है, तो 2 आवर में कितना कवर करेगा, ये कवर करेगा 4 किलोमीटर। तो ये 4 किलोमीटर ऑलरेडी चला जाएगा, उसके बाद अभी यहाँ पे 9 AM हो रहा होगा, अभी ये दोनों चलना स्टार्ट करेंगे, तो कितना डिस्टेंस बचा हुआ है, तो आप देखो ये बचा हुआ है अभी भी 20 किलोमीटर। तो अभी इस 20 किलोमीटर जर्नी के लिए क्या होगा, ये इधर से स्टार्ट करेगा विद ए स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, ये यहाँ से स्टार्ट करने वाला है विद ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना लगेगा, टाइम इक्वल टू सिंपली डिस्टेंस 20 डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड, 2 + 3 क्या होगा यहाँ पे 5 होगा, डिवाइड करेंगे टोटल कितना टाइम लगने वाला है 4 आवर्स। तो वही बात है, अभी क्या टाइम हो रहा होगा कैसे पता करेंगे, जो बाद में स्टार्ट किया है, बाद में कौन स्टार्ट किया, 9 AM में स्टार्ट किया और इसको 4 आवर लगा, मतलब क्या हो रहा होगा 13 का मतलब क्या होता है 1, किस टाइम में वो लोग मीट करेंगे 1 PM में मीट करेंगे। चलिए और एक क्वेश्चन कर लेते हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। तो जैसा कि देख रहे हो सेम टाइप का क्वेश्चन है, आपको बोल रहा है कि ट्रेन ए स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन ए एट 8 AM एंड रीच बी एट 10 AM ऑन द सेम डे, एट द सेम टाइम बी स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन बी एट 8 AM एंड रीच स्टेशन ए एट 11 AM। मतलब फिर से आपको टाइम बता दिया है कितना टाइम किसको लग रहा है, और इस क्वेश्चन में एक चीज़ आसान है कि दोनों क्या कर रहे हैं, सेम टाइम में स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही आसान है। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे इसको कितना टाइम लग रहा है, इसको लग रहा है 2 आवर्स और इसको कितना लग रहा है टोटल टाइम 3 आवर्स। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्टेंस को एज्यूम करेंगे। डिस्टेंस क्या एज्यूम करेंगे, इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम होगा कितना, इन दोनों का एलसीएम होगा 6। तो हम लोग मान लेंगे डिस्टेंस क्या है 6 किलोमीटर। अभी अगर हम पहले वाले का स्पीड का बात करें तो कितना होगा 6/2 विच इज 3 किलोमीटर पर आवर, और अगर हम लोग दूसरे वाले का स्पीड का बात करें तो वो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इज 6 टाइम इज 3 आवर्स, यहाँ से आपको मिलेगा 2 किलोमीटर पर आवर। और एज दोनों सेम टाइम में स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे रिलेटिव स्पीड यूज करेंगे और उसके इसमें टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस जो कि दिया हुआ है 6 डिवाइडेड बाई रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड कितना है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग प्लस करेंगे, 3 + 2 क्या होगा 5।
तो ये 6/5 को हम लोग लिख सकते हैं 1/5 आवर्स, या फिर 1 आवर्स 1/5 को मिनट कन्वर्ट करेंगे इनटू 60 करना होगा, 5 से कटेगा 12 मिनट, आपको क्या मिलेगा ये 1 आवर 12 मिनट। तो अभी क्या टाइम हो रहा होगा, तो एज दोनों 8 AM में ही स्टार्ट किया है, किसी में भी आप ऐड कर दो तो 8 + 1 आवर 20 मिनट, इसका मतलब जो अभी टाइम हो रहा होगा वो कितना टाइम हो रहा होगा 9:12 ये टाइम हो रहा है। चलिए और एक क्वेश्चन से समझते हैं, जहाँ पे बहुत लोगों को कभी थोड़ा डिफिकल्टीज होता है डिस्टेंस एज्यूम करने में। तो जैसा कि आप देख रहे हो क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला है ट्रेन ए लीव्स स्टेशन ए एट 5 AM एंड रीच स्टेशन बी एट 9 AM एंड ऑन द सेम डे अनदर ट्रेन लीव्स स्टेशन बी एट 7 AM एंड रीच स्टेशन ए एट 10:30 AM ऑन द सेम डे। आपसे बोल रहे हैं द टाइम एट विच द टू ट्रेन क्रॉस वन अनदर, मतलब कहीं ना कहीं मीटिंग का ही बात है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इसको कितना टाइम लग रहा है, 5 AM में स्टार्ट किया 9 में पहुँच रहा है, मतलब इसको कितना टाइम लग रहा है, इसको लग रहा है 4 आवर। और ये 7 AM में स्टार्ट किया और 10:30 में पहुँच रहा है, मतलब कहीं ना कहीं इसको कितना लग रहा है 3.5 आवर्स लग रहा है। अभी देखो बहुत लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि 4 और 3.5 इसका एलसीएम कैसे लिया जाए या फिर डिस्टेंस हम लोग कैसे एज्यूम करेंगे। तो देखो अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है कि 4 आवर और 3.5 आवर का एलसीएम लेने में, तो थोड़े टाइम के लिए मैंने क्या बताया है डिस्टेंस जरूरी नहीं कि हम लोग एलसीएम ही लेंगे, हम लोग कोई भी एक ऐसा नंबर एज्यूम कर सकते हैं जो कि 4 से भी कट जाता हो और 3.5 से भी कट जाता हो। इसका कारण ये होता है कि हम लोग चाहते नहीं है कि मैथ्स में हम लोग को फ्रैक्शन मिले, फ्रैक्शन मिलेगा आपका थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए हम लोग थोड़े टाइम के लिए मान लेंगे 4 और 3.5 में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो मान लेते हैं इसका डबल वैल्यू ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 7 है, तो 8 और 7 इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है वो कितना है 56 किलोमीटर। सिंपली जहाँ पे भी अगर आपको डेसिमल प्रॉब्लम क्रिएट करे डबल करके एज्यूम करो, ईजी हो जाते हैं। तो अभी अगर डिस्टेंस 56 किलोमीटर है इसका मतलब पहले वाले का स्पीड कितना हो जाएगा, तो पहले वाले का स्पीड क्या हो गया 56 / 4, 4 से कैंसिलेशन करेंगे यहाँ पे मिलेगा 14 km/h। और वही अगर हम लोग दूसरे वाले का बात करें, अगर इसका स्पीड कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस 56 / 3.5, ठीक है 3.5 इसको हटाएंगे ऊपर 10 times जाएगा, ये 2 यहाँ पे 5 से कटेगा 7, 7 से जाएगा 8 times, इसका स्पीड आपको मिलेगा 16 km/h। और अभी हमको ये देखना है कि क्या दोनों सेम टाइम में स्टार्ट कर रहा है, तो यहाँ पे देख रहे हो एक 5 AM में स्टार्ट कर रहा है और दूसरा जो है वो 7 AM में स्टार्ट कर रहा है। मतलब सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि ये जो पहला वाला है वो 2 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो आप देख रहे हो इसका स्पीड क्या है 14 km/h, मतलब 1 आवर में कितना जाता है वो 14 किलोमीटर जाता है, तो 2 आवर में कितना कवर करेगा, तो आप देखो कि 2 आवर में कवर करेगा 14 × 28 किलोमीटर। तो ये इसका मतलब ये है कि 7 AM में क्या होगा ये ऑलरेडी 28 किलोमीटर कवर कर लेगा, तो अभी भी कितना बचा हुआ है टोटल 56 था जिसमें से ये 28 कवर कर चुका है, तो बचा कितना अभी भी हम लोग के पास बचा है 28 किलोमीटर। और 28 किलोमीटर के लिए क्या है दोनों का टाइम क्या है सेम है, अभी ये भी स्टार्ट करेगा और ये भी स्टार्ट करेगा, मतलब इसके इसमें टाइम कितना लगने वाला है, तो डिस्टेंस है 28 / रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग क्या करेंगे प्लस कर देंगे, तो 14 + 60 कितना आएगा 30, कितना आवर्स मिलेगा, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग मिनट में कन्वर्ट करें फ्रैक्शन आ रहा है तो 28 / 30 मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 times जाएगा, ये कितना हो जाएगा 56 मिनट। इसका मतलब क्या है कि वो लोग कब मीट करेंगे, तो उसके लिए मैंने क्या बोला जो बाद में स्टार्ट किया है, बाद में कौन स्टार्ट किया है 7 AM में स्टार्ट किया, तो 7 AM के बाद और 56 मिनट लग रहा है इन लोगों को मीट करने में, इसका मतलब अभी टाइम क्या हो रहा होगा 7:56 AM, इतने टाइम में वो लोग मीट करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि जो भी ये मीटिंग वाला क्वेश्चन है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हम लोग को सिंपली क्या देखना होता है कि टाइम अगर सेम है तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर पाएंगे डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड, तो जस्ट आप ध्यान देना कि टाइम सेम है या नहीं, ठीक है। अगर इस चीज़ को आप लोग अच्छे से समझ जाओगे इस टाइप का सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अभी हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे जो कि कैट लेवल का क्वेश्चन है, जो कि मेनली
वो स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट जो एसएससी टायर टू अपियर कर रहे हैं या फिर कैट का एग्जाम दे रहे हैं या फिर एसबीआई पीओ मेंस आईबीपीएस पीओ मेंस लेवल का क्वेश्चन है वो अभी हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन। जैसा कि आप देख रहे हो आपको बोल रहा है टू ट्रेन स्टार्टेड साइमल्टेनियसली एट 9 AM फ्रॉम ए टू बी टूवर्ड्स बी टू ए बोथ ऑफ देम टेक 12 आवर टू रीच देयर रेस्पेक्टिव डेस्टिनेशन। और उसके बाद पहला क्वेश्चन यहाँ पे है एट व्हाट टाइम विल द टू ट्रेन मीट। तो सिचुएशन थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे बोल रहा है कि ए टू बी कोई एक डिस्टेंस है और यहां से एक ट्रेन स्टार्ट कर रहा है 9 AM में, ठीक है, और इसको लग रहा है टोटल 12 आवर। और दूसरा वाला जो ट्रेन है उसको भी क्या लग रहा है, रेस्पेक्टिव डेस्टिनेशन पे पहुंचने पर 12 आवर्स ही लग रहा है। और आपसे बोल रहा है कि बताओ ये दोनों कब मीट करेंगे, वो भी 9 AM में ही स्टार्ट किया है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि हमको टाइम दिया हुआ है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोग डिस्टेंस को क्या एज्यूम करेंगे, तो डिस्टेंस को हम लोग एज्यूम करेंगे इसको भी 12 आवर लग रहा है, इसको भी 12 आवर लग रहा है। मतलब आप कोई एक ऐसा वैल्यू ले सकते हो जो कि 12 से कट जाए, तो वो क्या होता है 12 भी ले लेते हैं। तो चलो मान लेते हैं यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये मान लेते हैं 12 किलोमीटर। इसका मतलब अगर हम पहले वाले का स्पीड निकाले तो पहले वाले का स्पीड क्या हो जाएगा, 12 किलोमीटर जा रहा है 12 आवर में, मतलब स्पीड क्या होगा 1 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस इज 12, टाइम इज 12, ये आएगा 1 किलोमीटर पर आवर। और जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें भी क्या है, यहाँ पे जैसे देख रहे हो आप 12 किलोमीटर जा रहा है 12 आवर में, तो टाइम इसका स्पीड क्या हो जाएगा 12/12, 1 किलोमीटर पर आवर। और एज दोनों सेम ही टाइम में स्टार्ट कर रहे हैं, 9 AM में स्टार्ट कर रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कितने टाइम के बाद वो लोग मीट करेंगे। तो टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस कितना है 12 और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 से सिंपली कैंसिल आउट करेंगे, ये आएगा आपका 6 आवर्स। तो आपको बोल रहे हैं कि क्या टाइम हो रहा होगा, तो 9 बजे स्टार्ट किया और 6 आवर्स लगा, इसका मतलब क्या होगा 9 + 6 क्या हो जाता है 15, 15 को हम लोग क्या बोलते हैं 3 PM। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट किया है। तो ये सेकंड क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखो क्वेश्चन को ट्विस्ट करने का कोशिश किया गया है, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझे हो तो आपके लिए बहुत ही आसान है। तो जैसे यहाँ पे बोल रहा है फर्स्ट ट्रेन मेट विथ एन एक्सीडेंट एट 1 PM एंड देयर आफ्टर ट्रेवल एट हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड। आपसे बोल रहा है कि वेन विल द टू ट्रेन मीट्स, मतलब यहाँ पे बोल रहा है पहला वाला जो है वो 1 बजे क्या हुआ फर्स्ट ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद क्या हो रहा है वो अपने हाफ स्पीड से जा रहा है। तो इसका मतलब ये पहले तो 1 बजे तक क्या होगा दोनों ट्रेन आराम से चलेगा, उसके बाद एक्सीडेंट हुआ है। 1 बजे तक मतलब 9 से 1 कितना टाइम होता है 4 आवर। इसका मतलब 4 आवर तक ए भी कुछ डिस्टेंस कवर करेगा और बी भी क्या होगा कुछ डिस्टेंस कवर करेगा। तो पहले वो देख लेते हैं हम लोग। तो इसका स्पीड क्या है 1 किलोमीटर 1 आवर है, 1 किलोमीटर पर आवर मतलब 1 घंटे में 1 किलोमीटर जा रहा है, तो 4 आवर में कितना जाएगा ये 4 किलोमीटर कवर करेगा, 1 बजे तक यहां पहुंचेगा। उसके बाद दूसरा वाला जो है ये भी 4 घंटे में कितना जाएगा, स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर है मतलब 1 घंटे में 1 किलोमीटर जा रहा है, 4 घंटे में कितना जाएगा 4 किलोमीटर। तो ये भी क्या करेगा 1 PM तक ये क्या हुआ ये 4 किलोमीटर कवर कर लिया, टोटल डिस्टेंस 12 था, ये 4 कवर कर लिया, ये 4 कवर कर लिया, 8 किलोमीटर खत्म हो गया, बचा कितना है अभी, तो बचा है हम लोग के पास ये रिमेनिंग 4 किलोमीटर। और ये रिमेनिंग 4 किलोमीटर के लिए क्या होगा, ये 1 PM हो रहा है, यहाँ पे भी 1 PM है, इसका स्पीड है 1 किलोमीटर पर आवर, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि फर्स्ट ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया 1 PM में और उसके बाद क्या हो रहा है वो हाफ स्पीड से जा रहा है। मतलब पहले अगर उसका स्पीड यहाँ पे 1 किलोमीटर पर आवर है तो अभी वो किस स्पीड से यहाँ पे जाएगा 0.5 किलोमीटर या फिर हाफ किलोमीटर पर आवर। अभी एज टाइम सेम है, हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे टाइम कितना लगेगा, तो टाइम के लिए हम लोग सिंपली क्या बोलेंगे 4 किलोमीटर बचा हुआ है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब रिलेटिव स्पीड क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो 1 + 0.5 कितना हो जाएगा 1.5 किलोमीटर पर आवर। तो ये 0 हटाएंगे तो ऊपर क्या होगा 1 0 आएगा, डेसिमल हटाओगे तो 5 से कैंसिल आउट कर सकते हैं हम लोग, 8 times ये जाएगा 3 times, तो 8/3 hours आया। इसको अगर हम लोग फ्रैक्शन में बनाएंगे तो क्या मिलेगा 2 times 2/3 hours या फिर हम बोल सकते हैं 2 hours
2 by 3 को अगर मिनट में कन्वर्ट किया जाए तो क्या होगा 60, ये जाएगा 20 मिनट, मतलब यहां से आपको मिलेगा 2 आवर 40 मिनट। तो अभी आपसे ये पूछ रहा है कि व्हेन दे विल मीट, मतलब अभी क्या टाइम हो रहा होगा, तो ध्यान से देखो अभी तक क्या हो रहा था, 1 बज रहा था, 1 बजे के बाद और कितना टाइम लगा, 2 आवर 40 मिनट लगा, मतलब अभी कितना टाइम हो रहा होगा, 1 + 2 = 3:40, ठीक है अभी टाइम हो रहा होगा 3:40 PM। तो देखो यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा चेंज किया, लेकिन हम लोगों को क्या था, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर था, मैंने सिंपली देखा कि पहले 1 पीएम जब एक्सीडेंट हुआ था उसके पहले पहला वाला कितना कवर कर लिया, 4 घंटे का टाइम था, 4 किलोमीटर ऑलरेडी चला जाएगा, ये भी क्या होगा 4 किलोमीटर ऑलरेडी चला जाएगा, बच गया डिस्टेंस ये 4 किलोमीटर, उसके लिए इसका स्पीड में तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, इसका स्पीड सिंपली हाफ हो गया था, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, दोनों अभी सेम टाइम में स्टार्ट कर रहा था, मैंने डायरेक्ट टाइम का फॉर्मूला यूज किया, डिस्टेंस इज 4 डिवाइडेड बाई रिलेटिव स्पीड 1.5, फिर हम लोगों ने कैलकुलेशन कर लिया, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो टफ होता है, लेकिन आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, इजिली बन जाएगा। तो ये थर्ड क्वेश्चन था इसी से रिलेटेड। तो जैसा कि आप बोल देख रहे हो यहाँ पे बोल रहे हैं कि द फर्स्ट ट्रेन मेट विथ एन एक्सीडेंट एंड ट्रेवल एट हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड देयर आफ्टर, इट रीच द डेस्टिनेशन 10 आवर लेट। आपसे बोल रहे हैं फाइंड द टाइम व्हेन द टू ट्रेन वुड मेट। इसका मतलब ये है क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि फर्स्ट ट्रेन क्या हुआ, कुछ टाइम चलने के बाद उसका एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, मेट विथ एन एक्सीडेंट, और उसके बाद जहां पे भी एक्सीडेंट हुआ उसके बाद क्या हो रहा है, वो अपने हाफ स्पीड से जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद बोल रहा है कि क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि वो लोग कब मीट करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा आपको एक बात समझना चाहिए, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में एक ही ट्विस्ट है कि ये नहीं बताया कि कितने टाइम के बाद एक्सीडेंट हुआ है, बस एक ही इन्फॉर्मेशन दिया है कि वो एक्सीडेंट होने के वजह से 10 घंटा लेट पहुंचा। तो थोड़ा सा आप ध्यान से समझो कि एक्सीडेंट होने की वजह से क्या हो रहा है, उसका स्पीड हाफ हो जा रहा है। तो अगर हम ऐसा सोचे कि एक्सीडेंट मान लेते ये शुरू में ही हो गया होगा, तो अगर शुरू में ही अगर एक्सीडेंट हो जाता तो स्पीड क्या हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा। तो अगर वो हाफ स्पीड से जाएगा इसका मतलब टाइम कितना लेगा, वो डबल टाइम लेगा, ठीक है। मतलब जो डेस्टिनेशन पे जब वो 12 आवर में पहुंच रहा था, अभी एक्सीडेंट की वजह से क्या हो रहा है, स्पीड हाफ होने की वजह से कितना टाइम में उसको पहुंचना चाहिए था डेस्टिनेशन पे, तो उसको टाइम लेना चाहिए था 24 आवर्स अगर एक्सीडेंट इसी पॉइंट पे हो जाता, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या है कि एक्सीडेंट कुछ दूर जाने के बाद हुआ है, और इसी वजह से क्या हो रहा है, वो 10 घंटा लेट पहुंच रहा है। 10 घंटा लेट बोलने का क्या मतलब होगा, पहले अगर वो 12 आवर ले रहा था तो और 10 घंटा लेट हो गया, मतलब अभी कितना टाइम ले रहा है, वो 22 आवर्स ले रहा है। इसका मतलब क्या है कि एक्सीडेंट कब हुआ होगा, जैसा मैंने आपको बोला कि एक्सीडेंट अगर शुरू में ही हो जाता तो वो क्या होता, उसको 24 आवर लगना चाहिए था हाफ स्पीड की वजह से, लेकिन वो एक्चुअली में एक्सीडेंट कुछ टाइम चलने के बाद हुआ था, इसकी वजह से क्या हो रहा है, वो 22 आवर्स ही लेट पहुंच रहा है। मतलब 10 आवर लेट पहुंचा, मतलब डेस्टिनेशन पे कब पहुंचा, 22 आवर्स टाइम लेके पहुंचता है। इसका मतलब ये है कि जो एक्सीडेंट हुआ है वो कब हुआ है, वो 2 आवर्स के बाद हुआ है। आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, मैं फिर से एक बार थोड़ा सा बता रहा हूं कि अगर देखो शुरू में ही अगर एक्सीडेंट हो जाता यहीं पे और उसका स्पीड क्या होता है, एक्सीडेंट की वजह से हाफ हो जाता है, तो हाफ होने की वजह से क्या होगा, अगर स्पीड हाफ होगा तो टाइम क्या होगा, डबल हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा, तो टाइम डबल होने का मतलब 12 आवर का जर्नी कितने टाइम में वो कवर करता है, 24 आवर्स में। लेकिन एज एक्सीडेंट शुरू में नहीं हुआ, कुछ टाइम चलने के बाद हुआ, इसकी वजह से वो 10 घंटा लेट पहुंच रहा है। 10 घंटा लेट बोलने का मतलब 12 आवर्स में पहुंचना चाहिए था और 10 घंटा लिया, मतलब 22 आवर्स में पहुंच रहा है। इसका मतलब क्या होगा, एक्सीडेंट कब हुआ है, आफ्टर 2 आवर। इस पॉइंट को आपको इस प्रॉब्लम में यही एक पॉइंट था जो कि आपको समझना था। तो अगर आपको ये बात समझ में आ रहा है कि एक्सीडेंट 2 आवर्स के बाद हो रहा है, तो अभी तो मुझे समझ में आ गया कि एक्सीडेंट 2 आवर्स के बाद होना मतलब क्या, ये 2 आवर्स तक ये भी आराम से चलेगा प्रीवियस प्रॉब्लम की तरह, ये भी क्या होगा 2 आवर्स तक प्रीवियस प्रॉब्लम की तरह आराम से चलेगा। तो कितना जाएगा 2 आवर्स में, 1 आवर में कितना जाता है, 1 किलोमीटर, 2 आवर में कितना जाएगा, 2 किलोमीटर। तो ये भी 2 किलोमीटर चला जाएगा, 11 बजे यहाँ पे पहुंचा, और ये भी 2 किलोमीटर आराम से आएगा, 11 बजे यहाँ पे पहुंच गया। अभी कितना डिस्टेंस बचा हुआ है दोनों के बीच का, तो अभी भी बचा हुआ है 4, 12 में से क्या 4 चला गया, बचा क्या 8 किलोमीटर, और 8 किलोमीटर अभी क्या है, दोनों सेम टाइम में स्टार्ट करें, लेकिन हाँ इसका एक्सीडेंट हो चुका है, इसके वजह से इसका स्पीड जो है वो क्या हो चुका है, हाफ हो चुका है, 0.5 किलोमीटर पर आवर, और इसका स्पीड तो सेम ही है,
1 किलोमीटर पर आवर. तो इसलिए टाइम कितना लगेगा इसको, टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस 8 डिवाइडेड बाई रिलेटिव स्पीड. रिलेटिव स्पीड क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, मतलब 1.5. अभी ये डेसिमल हटाओगे तो क्या आएगा, ऊपर की तरफ एक जीरो आएगा, 5 से कैंसिलेशन कर सकते हैं हम लोग. ये 16 टाइम्स, यहाँ पे क्या होगा 3 टाइम्स, मिक्स फ्रैक्शन 5 1/3 आवर्स, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 5 आवर्स 1/3, इसको मिनट में बनाएंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, मतलब क्या लग रहा है, और 5 आवर 20 मिनट लगा. तो अभी क्या टाइम हो रहा होगा, तो देखो अभी यहाँ पे 11 बज रहा था और 5 घंटा लगा, तो 11 प्लस 5 क्या होता है 1620, और 1620 को हम लोग क्या बोलते हैं 4:20 PM. इसका मतलब जो अभी टाइम हो रहा होगा वो क्या टाइम हो रहा होगा, 4:20 PM हो रहा होगा. तो आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा. जस्ट अगर आप ये बात को समझ पाए होगे कि एक्सीडेंट 2 आवर्स के बाद कैसे हो रहा है, तो आई थिंक उसके बाद और कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. तो ये फोर्थ क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख रहे हो, बोल रहा है कि द फर्स्ट ट्रेन मेट विद एन एक्सीडेंट एंड ट्रेवल एट हाफ ऑफ इट्स स्पीड देयर आफ्टर एंड द टू ट्रेन मेट एट 4 PM, फाइंड द टाइम व्हेन द एक्सीडेंट अकर. क्वेश्चन देखो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है. यहाँ पे बोल रहे हैं कि क्या हुआ, फर्स्ट ट्रेन कुछ दूर जाने के बाद क्या हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है. कितना दूर जाने के बाद आपको फिर से यहाँ पे नहीं बताया है, लेकिन एक चीज आपको बता दिया है कि दोनों ट्रेन मीट कब कर रहे हैं, एट 4 PM. मान लेते हैं 4 PM में ये लोग मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट 4 PM. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब मीटिंग होने का मतलब क्या है, कि ये वाला ट्रेन 4 PM में, 4 PM तक जितने टाइम में आएगा उतने टाइम में क्या हुआ है, ये भी क्या हुआ है 4 PM तक यहाँ पे पहुंचा है, ठीक है, उतने ही टाइम में. तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, 4 PM का मतलब क्या, देखो पहले वाले ट्रेन का तो एक्सीडेंट हुआ है तो इसका स्पीड थोड़ा बहुत कम हुआ होगा, लेकिन सेकंड वाले का तो एक्सीडेंट हुआ नहीं है, तो मतलब आपको कंफर्म पता चल रहा है कि 4 PM तक वो अपने रेगुलर स्पीड से चला होगा. रेगुलर स्पीड बोलने का मतलब इसका स्पीड क्या है, 1 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब क्या है, 1 आवर में कितना जाता है वो 1 किलोमीटर, तो मतलब यहाँ पे कितना टाइम हो रहा है, 9 to 4 कितना हो रहा है, 7 आवर्स. इसका मतलब ये 7 आवर्स तक अपना जर्नी कवर किया हुआ है, और उतने ही टाइम में 7 आवर्स में क्या हुआ गया, ये जो पहला वाला ट्रेन है वो ए टू बी पहुंचे, ठीक है, ये चीज आपको थोड़ा समझना होगा. तो एज ये फर्स्ट वाले का एक्सीडेंट हुआ, सेकंड वाले का नहीं हुआ, तो सेकंड वाला कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये आपको पता चल जाएगा. 1 आवर में जाता है 1 किलोमीटर, तो 7 आवर में कितना जाएगा वो, 7 किलोमीटर. इसका मतलब आपको एक चीज समझ में आ रहा है कि ये जो सेकंड वाला ट्रेन है वो कितना डिस्टेंस कवर किया है, वो 7 किलोमीटर कवर किया है. इसका मतलब पहला वाला कितना कवर किया होगा, टोटल तो 12 है, इसमें से ये 7 किलोमीटर गया, इसका मतलब ये वाला कितना जाएगा, ये जाएगा 5 किलोमीटर. इसका मतलब पहला वाला जो ट्रेन है ओनली वो 5 किलोमीटर गया है, इसमें क्या हुआ, कुछ टाइम तक वो क्या हुआ होगा, अपना ओरिजिनल स्पीड से गया, उसके बाद एक्सीडेंट हो जाएगा, एक्सीडेंट होने के बाद क्या होगा, वो अपने हाफ स्पीड से जाएगा. तो आपको बताना है कि एक्सीडेंट कितने टाइम के बाद हुआ. तो हम लोग चलो मान लेते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं थोड़ा, ये टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है, पहला वाला टोटल डिस्टेंस कवर किया वो 5 किलोमीटर, ठीक है. मान लेते हैं कि टी टाइम के बाद एक्सीडेंट हुआ, लेट टी टाइम के बाद एक्सीडेंट हुआ, इसका मतलब टी टाइम तक पहला वाला जो है वो किस स्पीड से कवर किया होगा, 1 किलोमीटर पर आवर से जाता है, 1 घंटे में 1 किलोमीटर जाता है, तो टी टाइम में कितना जाएगा वो, 1 × t, इतना डिस्टेंस कवर करेगा प्लस. अभी टी टाइम के बाद क्या होगा, उसका स्पीड जो है वो कितना हो जाएगा, वो हाफ हो जाएगा, उसका स्पीड हो गया हाफ. और अभी कितना टाइम बचा हुआ है, देखो टोटल टाइम जो है वो कितना है, टोटल वो कितने टाइम में कवर किया था उसको, 7 आवर में कवर किया था. तो मैंने मान लिया अगर टी टाइम के बाद एक्सीडेंट हुआ है, इसका मतलब जो बचा हुआ टाइम है वो क्या हो जाएगा, 7 - t, ठीक है. यहां से आपको जस्ट टी का वैल्यू निकाल, तो जैसे अभी इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो 1 t है, प्लस ये 7 को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, 7/2 कितना हो जाएगा, ये 3.5, और ये हो जाएगा माइनस हाफ टी, हाफ टी का मतलब 0.5 t, और इसका वैल्यू कितना है, ये 5. तो अभी अगर आप ध्यान से देखो, ये t में से अगर 0.5 t मतलब हाफ टी माइनस करोगे क्या बचेगा, यहाँ पे आपको हाफ टी मिलेगा, और ये वाला 5 है ये उधर जाएगा, 3.5 माइनस हो जाएगा, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 1.5. तो यहाँ से अगर आप t का वैल्यू निकालो तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1.5 डिवाइडेड बाई 0.5,
ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हुआ, टी का वैल्यू क्या होगा यहाँ से 3 आवर्स। इसका मतलब ये था कि जो एक्सीडेंट हुआ है वो कब हुआ है, आफ्टर 3 आवर्स हुआ है। तो आपने देखा ये क्वेश्चन जो था ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, मोस्टली कैट लेवल का क्वेश्चन है और मेंस लेवल में पूछा जा सकता है, तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए। जानबूझ के मैंने कराया ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी अच्छा क्लियर हो। और जो DI आता है आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, आजकल क्या हो रहा है हर टॉपिक पे DI बना दिया जा रहा है, तो अगर आप इस टाइप का क्वेश्चन करोगे तो वो सारा DI आपके लिए बहुत ही आसान होगा। कहीं ना कहीं ये जो आप देख रहे हो एक स्टेटमेंट पे हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व किया, DI क्या होता है इसी टाइप का तो क्वेश्चन होता है। तो इसलिए मैं ये सारा क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए और ये टॉपिक में आपको कभी प्रॉब्लम हो ही ना। जैसा कि आपने देखा कि टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर हम लोगों ने DI सॉल्व किया और ये बहुत ही अच्छा DI था जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अभी हम लोग इसके बाद भी जो भी पार्ट पढ़ेंगे या फिर जो भी कॉन्सेप्ट हम लोग लर्न करेंगे उसके बेस्ड भी अगर जो भी DI बन सकता है वो सारा मैं डिस्कस करूँगा, तो आप हमारे साथ बने रहें। और नेक्स्ट पार्ट जो होगा हम लोग जब बोटेनी स्ट्रीम पढ़ेंगे तो उसका भी DI जो प्रीवियस ईयर में पूछा था वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो आप हमारे साथ बने रहें। और थैंक यू वेरी मच एंड एंजॉय लर्निंग।